टाइफाइड बुखार एक गंभीर बीमारी है जिसका अगर तुरंत इलाज ना किया जाए तो ये कब जानलेवा बीमारी बन जाएगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। टाइफाइड गंदा पानी और खाने के कारण होता है। गंदे खाने में बैक्टीरिया पनपता है जिसके कारण टाइफाइड होता है। ये बैक्टीरिया जब खाने के जरिए शरीर के अंदर जाता है तो शरीर के अंदर जाते ही ये इम्यून सिस्टम पर असर डालता है जिसके कारण तेज बुखार, सिर दर्द, कब्ज और भूख न लगना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इन लक्षणों को जल्दी पहचानना और तुरंत इलाज बेहद जरूरी है, नहीं तो ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक समस्या बन जाता है। टाइफाइड से बचने के लिए सबसे पहले साफ सफाई का खास ख्याल रखें। खासकर खाने के पहले और बाद में हाथ को साबुन से अच्छी तरह से साफ करें। साफ पानी और साबुन से हाथ धोने के बाद ही खाना खाएं। ये टाइफाइड से बचने का आसान और नंबर वन तरीका है। ऐसा करने से हाथों में लगे बैक्टीरिया आसानी से साफ हो जाते हैं जिसके कारण इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा कम हो जाता है। हाथों की साफ सफाई के पर्सनल हाइजीन बहुत जरूरी है। रोजाना नहाने से पहले अपनी त्वचा पर जमे बैक्टीरिया को निकालने की कोशिश करें। साथ ही किचन, बाथरूम और घर के फ्लोर पर फिनाइल से जरूर साफ करें। टाइफाइड से बचना है तो सबसे पहले आपको अपने पीने वाले पानी का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि गंदा पानी में पनपने वाले बैक्टीरिया सीधा आपके पेट पर अटैक करते हैं। इसलिए आपके पीने वाला पानी साफ होना चाहिए। पीने वाले पानी को लगभग एक मिनट तक जरूर उबालें। इससे उसमें पाए जाने वाले हानिकारक बैक्टीरिया एकदम मर जाते हैं, जिससे ये पानी सुरक्षित हो जाता है। अगर उबालना संभव नहीं है तो अच्छा वाटर प्योरीफायर या फिर फिल्टर का इस्तेमाल करें। टाइफाइड से बचना है तो खुद की साफ सफाई और खाना पीने का खास ध्यान रखें। बरसात के मौसम में स्ट्रीट फूड खाने से बचना चाहिए। खुद का पका हुआ खाना सुपर हेल्दी होता है क्योंकि ये स्वस्थ वातावरण में बना होता है। इस मौसम में बाहर खाने के बजाय घर पर ही बनाए खाएं। ऐसा करने से आपकी हेल्थ काफी सुरक्षित रहेगी।